हेलो एवरीवन. सो जैसे लास्ट टाइम आई थिंक 6 महीना पहले आई हैड स्पोकन अबाउट दिस स्टॉक एंड आई हैड टोल्ड यू कि थोड़ा और टाइम रुक के देखेंगे इसमें क्या ग्रोथ आती है नहीं आती है. लेकिन गाइज मेरे को लग रहा है अभी ये बहुत टाइम ले रहा है, टाइम करेक्शन ज़्यादा हो गया है एंड आई थिंक इसकी स्टोरी ख़त्म तो नहीं हुई है. इट्स स्टिल अ गुड कंपनी. जितने लोगों के SIP में है आपको तो अपने रजिस्टर्ड एडवाइज़र से बात करनी ही चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र से. लेकिन भाई मैं तो ये स्टॉक को डंप कर रहा हूँ बिकॉज मेरे हिसाब से मेरा जो एवरेज प्राइस था उसके हिसाब से इसने काम कर दिया है. स्टॉक का नाम बताने के पहले, ऑल स्टॉक आइडियाज़ ऑन दिस चैनल आर माय पर्सनल ओपिनियन. आई डोंट वांट एनीबॉडी टू बाय और सेल बेस्ड ऑन दिस वीडियो और एनी वीडियो ऑन द प्रॉफिट कर्व. प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र. दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस. एशियन पेंट्स इतनी बड़ी स्टोरी, और कोविड के बाद तो आप भी जानते हो कैसे उसकी स्टोरी फैलाई गई, एक वीडियो वायरल हुआ, सब हुआ था. मैं भी देखिए 1600 रुपये से जब वो ग्रो करना स्टार्ट किया और 3400 तक जब तक वो आया तब तक वो स्टोरी हमारे माइंड में भी इंटैक्ट ही थी और SIP के लिए सही हम लोग कर रहे थे. बट अभी मुझे एक ऑल्टरनेटिव दिख रहा है. भाई मैं अपना बता सकता हूँ, ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर मैं एशियन पेंट्स में 25% या उससे ज़्यादा प्रॉफिट में बैठा हूँ अभी अभी भी मुझे लगता है ये एक बार के लिए ना 3400 तक का स्विंग शायद अगले कुछ टाइम में दे दे आपको. बट दिस इज़ अगेन नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन. मैं उसके लिए वेट नहीं करना चाहता नाउ बिकॉज आई थिंक अभी बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में ये रेंज में चलेगा. 3400 के ऊपर इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है. देन पेंट सेक्टर में अभी जो माहौल है, वी नेवर थॉट सो मैनी कंपनीज वुड कम. 2020-2021 तक ये अकेला डोमिनेंट मार्केट लीडर था, अभी भी है. लेकिन भाई अभी कितनी कंपनीज आ गई, अभी वो ग्रासिम का प्रेशर आ रहा है, इंडिगो पेंट्स है. इसमें क्या होता है ना, मार्केट थोड़ा थोड़ा करके सैचुरेट होता जा रहा है और पेंट्स में अभी जो होना था द बेस्ट इज़ ऑलरेडी डन. आई फील चाहे एशियन पेंट्स कल 5000 रुपये भी चला जाए लेकिन वो जो टाइम वो लेगा ना, वो टाइम के लिए क्या कोई रुकने के लिए तैयार है? अभी मैं तैयार नहीं हूँ. मैं तो लॉन्ग टर्म हूँ लेकिन आई एम गेटिंग अ बेटर ऑल्टरनेटिव इन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज. तो मैं इसमें अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँगा? व्हाट आई एम डूइंग अपना पर्सनली इज़ आई एम मूविंग ऑल ऑफ इट इनटू जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो बेटर वैल्यूएशन पे दिख रहा है. सिंपल हिसाब है मेरा, मैं आपसे सिर्फ शेयर कर रहा हूँ इस माध्यम से, बट आप अपने एडवाइज़र से भी पूछ सकते हैं. मेरा सिंपल हिसाब है, क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगले 5 साल में 3 टाइम्स हो सकता है मिनिमम? माय आंसर इज़ येस. फ्रॉम दिस प्राइस 239 से क्या वो 700-750 तक जाएगा? 3-3.5 टाइम्स अगले 5 साल का अगर वेटिंग है, येस. क्या एशियन पेंट्स 5 साल में 3 गुना हो सकता है? The answer is no. Not in the world that we are living in. Definitely not. क्योंकि सवाल ही नहीं है कि वो लोग earnings में अभी कुछ धमाका कर पाएंगे. Operating costs इतने बढ़ गए हैं, चाहे उनके पास best of system हो, best of जो भी हो, dealer हो, distributor network हो, जो भी, वो सब ज्ञान हम सुन चुके हैं. But commoditize हो गया paints. The word is paints is now not a branded product. It's a commoditized product. किसी को परवाह नहीं है, घर सबको Dulux से ही paint कराना है. एक time पे stock सबको Asian paint लेना होता था लेकिन अभी वो sector में वो दम बचा नहीं है. और बचा भी है तो 3400, 4000, 4500 उतना तो आपको बाकी stocks भी दे देंगे. तो मैं ये stock को अपने घर में सजा के क्यों रखूँ? You know that is my thesis. सो सिंपल लॉजिक, अगर आप SIP कर रहे हैं, इफ यू आप 25% प्लस प्रॉफिट में हैं, क्योंकि मेरा जो बाइंग प्राइस है ना एशियन पेंट का, वो बहुत पहले का है. इट इज़ अराउंड 1150 और बहुत पहले का बाइंग प्राइस है क्योंकि हम तो SIP करते थे ना. तो उस भाव पे मुझे तो एग्जिट मिल रहा है. मैं शायद 3400 तक थोड़ा वेट करके भी निकल सकता हूँ 3 गुना करके. बट एक बार के लिए मुझे लग रहा है वो बाउंस में 3400 ज़रूर आएगा. अब जियो फाइनेंशियल क्यों? क्योंकि वो अपकमिंग सेक्टर है, सनराइज सेक्टर है, कॉस्ट उसके कम है, रिलायंस का बैकिंग है, ब्लैक रॉक के साथ उन्होंने टाई अप किया है. अब इतनी सारी बातें मैं पहले भी आपको जियो के बारे में बता चुका हूँ, तो मैं खुद क्यों वेट करूँ? आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन कीप प्रॉफिटिंग गाइस.